यूनिवर्सल फिल्म है और इसकी कहानी ऑफ कोर्स जो सुपर हीरो सनी मेरी बगल में बैठे हैं मेरे गुरुजी उन पर आधारित है, उनके उनकी सुपर पावर्स के ऊपर एपिसोडिक किस तरह से वो क्राइम सॉल्व करते हैं और कितने डेंजर में कितनी अपनी शक्ति दिखाते हैं, और साथ में एक फिलॉसफी एक फ़लसफा है जो जिस तरह के 8 साल के बच्चे हैं तो जाहिर है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है और ऑनेस्ट इंसान है। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि भारत देश जब कहता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है, फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह का एक फैमिली पोर्ट्रेट, एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली जो सुशमित सिंह गिल की फैमिली है और भी अन्य फैमिलीज़ हैं जैसे सोसाइटीज़ में हम लोग रहते हैं, तो इस माहौल में अगर कुछ हो जाए तो एक बच्चा कैसे सुपर हीरो बन जाता है, ये वो कहानी का घोट है। और फिर तो कहानी सुनाऊंगा तो फिर पिक्चर क्यों देखोगे आप, तो पिक्चर देखने के लिए तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा कि ये सुपर पावर वाला सुपर हीरो सनी क्या आपको देता है, एक बहुत बड़ी सीख देता है क्लाइमैक्स में, बहुत ही ख़ास क्लाइमैक्स बनाया हमने इस फिल्म का, और उसमें जो एक नई सीख लेके आप जो वापस निकल जाएंगे थिएटर से सोचते रह जाएंगे कि अरे इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी। वैसे एक पोस्टर पे देखा डेंजर की स्मेल क्या होती है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क क्यों है इसके लिए? क्योंकि डेंजर की स्मेल क्या होती है कौन जानता है, ऑफ कोर्स जानने वाला है हमारा। डेंजर की स्मेल होती है मौत। बहुत समझदार है हमारा हीरो। वैसे सनी आप कितने एक्साइटेड हैं मूवी रिलीज होने वाली है आपकी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार मेरी मूवी रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया। मीन्स मैं इतना खुश हूँ क्योंकि 25th को रिलीज हो रही है, मैं 24th को देख लूँगा। सर कह रहे थे कि उसके पहले हम लोग अपनी प्रोडक्शन की एक सबको हमारे पूरे प्रोडक्शन को दिखाएंगे 23rd को। जी मीन्स आई विल सी 3 times, वन विद द सर, देन अगेन 24th, देन आई विल सी रिलीज के बाद, तो उसको 25 तारीख को रिलीज अभी अगले शुक्रवार को। ऐसा वैसे सर आपने काफ़ी बच्चों के ऊपर मूवीज बनाई हैं, आपने एक्टिंग भी की है उसमें, और मतलब ये भी एक बच्चे की ही मूवी है, तो मतलब बच्चों के साथ काम करके क्या आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है या ज़्यादातर आपके कौन से उनके साथ होते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 15 साल से मैं बच्चों के मुद्दे उठा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि कोई तो बच्चों के मुद्दों को, उनकी यातनाओं को, उनकी परेशानियों को प्राउड वर्क की तरफ, मतलब हमारे जैसे नागरिक हैं जो शायद बच्चों की तरफ उनकी उनका ध्यान नहीं है, उनकी नज़र नहीं है, तो मैं बड़े साल से यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि बच्चों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये नस्ल जो है ये आपकी अगली पीढ़ी जो ये इस देश को चलाने वाली है, वो ये पीढ़ी रहने वाली है, तो उनकी तरफ अगर हम आज ध्यान देंगे तो कल वो हमारी तरफ ध्यान केंद्रित रखेंगे, वरना फिर ये ना कहना कि अच्छी फिल्म बनी नहीं, बच्चों के लिए कुछ होता नहीं है, फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ होता नहीं है, ऐसे ही खाओ का यूए में लेके जाते हो, फिर कोई आइटम नंबर आ गया तो फिर आपके सामने माँ बाप हाथ रख देते हैं, ऐसा ना हो, इसीलिए एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म है, उसमें बहुत अच्छे स्टंट्स किए हैं बच्चे ने, और आप देखते हैं कि बस सिर्फ ए लिस्टर हीरोज़ जो हैं क्या वही स्टंट्स कर सकते हैं क्या, या आप सिर्फ वही देखने जाएंगे क्या, वही यहाँ तो हीरोओं का हीरो बैठा हुआ है सुशमित सिंह गिल, और उसने अपने स्टंट्स खुद किए हैं, और बहुत ही इसीलिए मैं अपना गुरु मानता हूँ उसको। वैसे इस मूवीज़ के दौरान आपके कई दोस्त बने, किस तरह से शूट रहा आपका, कितने मतलब एंजॉय किया आपने शूट को? मीन्स बहुत सारे बच्चे सेंट मैरीज थे, सेंट मैरीज में बहुत मज़ा आता था, बीएमआई नगर में सेंट मैरीज में 42 बच्चे थे, आदिल पार्श और बाकी जो 42 बच्चे थे, और बीएमआई नगर में 30 थे। फिर भीमानगर में सबसे अच्छा भीमानगर में लगा, भीमानगर में
सर जब सर छोटे थे वो उनकी तब की सोसाइटी है, जैसे खेलता था जाके हम लोग स्विंग स्लाइड्स थे हमारे लिए, स्विंग थे स्लाइड्स थे सी सॉ, फिर हम जाके मैरी गोल्ड राउंड, फिर हम लोग जाके उसके ऊपर खेलते थे, हमको बहुत मज़ा आया भीमा नगर में। और ऐसे ही ऐसे करके मेरे बहुत सारे दोस्त बने इस मूवी के दौरान, 42 तो वैसे ही 30 वैसे ही, चलो सोचो 100 के करीब दोस्त बना दिए। और मस्ती करते थे बीच में, अगर कुछ समय मिला तो शूटिंग भी करते थे। अच्छा ये पिछले समय की कई मूवीज हमने देखी जिसमें ब्लाइंड होते हैं डेफ होते हैं, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, इस स्मेल नहीं लगी, तो इसके बारे में कैसे सोचा कि ये कुछ अलग होना चाहिए? नहीं अलग, मतलब अलग सोचने के लिए अलग नहीं सोचा है। ये राधिका आनंद जो एक नई राइटर है, ये उनकी सोच है, ये उनकी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा जो सूंघ नहीं सकता और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि सूंघना शुरू करता तो किलोमीटर तक सूंघ लेता है सब कुछ, तो ये वो उसकी सुपर पावर है, तो राधिका आनंद की कॉन्सेप्ट है। लेकिन जोर डालने पर भी उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तो मैंने बोला क्या करें यार, बंद कर दें क्या करें, तो अजीत ठाकुर जो यहाँ के सीईओ हैं ट्रिनिटी के, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लिख दो। मैंने बोला यार मुझे बखेड़ा नहीं चाहिए, आप सबके कंसेंट्स लो परमिशंस लो तो मैं करूँगा, वरना मेरे पास चार और सब्जेक्ट पड़े हैं। तो उनकी जिद थी कि यही आगे बढ़ाओ, तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही, लिख दिया स्निफ नाम का जो है स्क्रीन प्ले, और फिर शूटिंग शुरू हो गई। और जब से वो शूटिंग शुरू हो गई तब से मेरा मज़ा जो बढ़ गया, क्योंकि बच्चों के साथ हूँ और छुट्टी के दिन हम लोग करते हैं, बच्चे का कोई स्कूल मिस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो अलग अलग जो तरह से हम लोग कितने साल से हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों का ऑडिशन ना करें, बच्चों पर वजन ना आए काम करने का, क्योंकि हम काम ही नहीं करते, हम मज़े लेते हैं लुत्फ उठाते हैं, तो इस तरह से हमारा टाइम बहुत अच्छा टाइम पास होता है। वैसे कभी शूट्स के दौरान सब किसी को परेशान किया आपने? मुझे तो नहीं पता, मोल सर को पता होगा। परेशान तो मैंने किया इनको कभी कभी, उन्होंने मुझे किया, मेरे बाल खींचते थे लोग। सर इतने अच्छे हैं क्योंकि हमको एक सीन चाहिए था जो पहाड़ी से नीचे था, मैंने किया, मैं गिर गया था, मुझे पैर पे बहुत चोट आई, फिर सर ने बोला, फिर मुझे वैनिटी में लिख के सर मेरे साथ बैठे बाद में सर ने बोला कि चलो अभी सीन करते हैं, मैंने बोला मैंने बोला था चलो सीन करते हैं, मैंने बोला थोड़ी देर और लेट जा, फिर 10 मिनट बाद मैंने बोला चलो सीन करते हैं, बाद में फिर जब पहाड़ी के ऊपर जाने लगा सर ने बोला ये किधर जा रहा है, मैंने बोला सीन करना है, सर ने बोला अभी वो सीन कैंसिल हो गया, अभी हम दूसरा लगा रहेंगे। मतलब उसको बड़ी बात है अगर किसी को अगर लगा हो तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुमको वापस फिर से वहाँ ले जाऊँगा, बात ही नहीं है, और कथानक अपने हाथ में है ना, हम तो चेंज कर सकते, सीन ही चेंज कर सकते, ऐसी क्या बात है, चाइल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रैक्टिस है, जिस तरह से अगर गुड प्रैक्टिसेस बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमको मार्शल आर्ट की जाने तो लगती रहती है, वो नहीं यार प्रैक्टिस, फिर कैसी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब तरीका, अच्छा। बच्चों के साथ फिल्मिंग का तरीका होना चाहिए कि उन पर भार नहीं आना चाहिए, छुट्टियों के दिन हो तो मज़ा आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा, जैसे स्कूल में आप जाते हो रिहर्सल करने एनुअल डे की वगैरह, वैसे करना चाहिए। लास्टली बोलना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मूवी 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, ये गणेश चतुर्थी के दिन रिलीज हो रही है। बात करते रहे साइलेंस, सॉरी टेक टू एक्शन। तो सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का, मतलब आपने इसको लिखा है, इसे डायरेक्ट किया, किस तरह की कहानी है? ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है और इसकी कहानी ऑफ कोर्स जो
सुपर हीरो सनी मेरी बगल में बैठे हैं, मेरे गुरुजी, उन पर आधारित है, उनके उनकी सुपर पावर्स के ऊपर, एपिसोडिक किस तरह से वो क्राइम सॉल्व करते हैं और कितने डेंजर में कितनी अपनी शक्ति दिखाते हैं, और साथ में एक फिलॉसफी, एक फ़लसफ़ा है जो जिस तरह के 8 साल के बच्चे हैं तो जाहिर है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है और ऑनेस्ट इंसान है। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि भारत देश जब कहता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है, फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह का एक फैमिली पोर्ट्रेट, एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली जो सुशमित सिंह गिल की फैमिली है और भी अन्य फैमिलीज़ हैं जैसे सोसाइटीज़ में हम लोग रहते हैं, तो इस माहौल में अगर कुछ हो जाए तो एक बच्चा कैसे सुपर हीरो बन जाता है, ये वो कहानी का घोट है।